नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 से 9 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। तीसरी राशि लेते हैं, जैमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 6 सितंबर का दिन बड़ा बढ़िया रहेगा। इस दिन आपका व्यक्तित्व बहुत मिलनसार व्यक्ति का रहेगा। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग आपसे मिलना जुलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे एक संबंध स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद करके, वर्तमान को कंपेयर करके अपने आप को दुखी या नाराज कर लें। जो कुछ भी बीत गया है उसे भूलने का प्रयास करें और जो वर्तमान व भविष्य है उस पर फोकस करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा अपने प्रेजेंट पर और अपने फ्यूचर पर फोकस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उतना लाभपूर्ण रहेगा। इस दिन आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से आपके नए रिलेशनशिप भी बन सकते हैं और कुछ गंभीर रिलेशनशिप्स में आप एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। 7 सितंबर का दिन आपका अपना रहेगा। इस दिन को आप जिस प्रकार से ढालेंगे ये उस प्रकार से ढलेगा, उस प्रकार से मोल्ड होगा। इस प्रकार से अगर आप अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव रखेंगे, चीज़ों में आप पॉजिटिविटी खोजेंगे तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव होगा और आपके लिए बड़ा ही प्रेरणास्पद दिन रहेगा। लेकिन अगर आपने निगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने दी तो ये दिन निगेटिव हो सकता है और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी कार्य को अगर आपने पेंडिंग छोड़ रखा था किसी दिन करने के लिए तो वो दिन यही है 7 तारीख, जब आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपका कोई भी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए इससे बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। 8 सितंबर के दिन आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, सशक्त रहेंगे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। इस दिन नए विचार आपको आते रहेंगे, नए विचारों से आप ओतप्रोत रहेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा जुझारू रहेंगे, मेहनत करेंगे। इस दिन अपने विचारों को छिपा कर रखें, दूसरों से अपने विचारों को ना बताएं तो बढ़िया रहेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसे आप साझा करना ही चाहते हैं तो केवल अपने जीवन साथी से साझा करें या किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर हों कि वह व्यक्ति आपके विचारों को लीक नहीं करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप आक्रामक भी रहेंगे यानी पैशनेट ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपने अपनों को नुकसान पहुंचाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपनों से अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 9 सितंबर के दिन आपका मन थोड़ा सा रुष्ट हो सकता है। किसी बात पर आप नाराज हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से आप नाराज हो सकते हैं और आपकी नाराजगी प्रदर्शित हो जाएगी, दिख जाएगी, लोगों को मालूम चल जाएगा कि आपका मूड आज अच्छा नहीं है। लेकिन अपने मूड को अगर आप बचा करके रखें या अपने मूड को छिपा करके रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आपका मूड कैसा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप कुछ कठोर निर्णय भी ले सकते हैं और साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिन्हें प्रायः आप नहीं करते हैं। यानी कि अब आपको ये सोचना है कि आप पॉजिटिवली ये कार्य करेंगे या निगेटिवली करेंगे। तो अगर आप अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो 9 तारीख आपके अपने कंट्रोल में रहेगा और अगर आपने स्वयं पर से नियंत्रण हटाया तो 9 तारीख आपके नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 8 और 9 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं, 6 और 7 अच्छी हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण की बात करें तो सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन साथी से 8 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपका उनसे झगड़ा हो सकता है। बाकी 3 दिन बढ़िया रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो 7 तारीख सबसे बढ़िया है, बाकी 3 दिन सामान्य है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 6 से 9 सितंबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।